हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज मैं आपसे अपना मंथली स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर मेरी स्किन केयर की वीडियोस तो देखी होंगी बहुत सारी, लेकिन आज मैं आपसे मंथली स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मंथ में मैं अपनी स्किन को कैसे बहुत अच्छे से पैम्पर करती हूँ। वैसे तो मैं डेली स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करती हूँ, लेकिन मंथ में मैं कैसे करती हूँ और कैसे अपनी स्किन की केयर करती हूँ, ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक मदर भी हूँ, तो ऐसे में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते कभी कभी दिन में एक आध बार ऐसा हो जाता है, एक आध दिन में, कि हम मिस कर देते हैं या ऐसी कोई जिम्मेदारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कभी एक आध दिन बीच में छूट जाता है अपनी स्किन केयर रूटीन जो भी फॉलो करती हूँ। लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ डेली मैं करूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि भूल जाते हो या इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं पार्लर में जाकर अपनी स्किन केयर रूटीन तो नहीं करवा सकती हूँ डेली, ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है, ना ही इतना पैसा किसी के पास होता है कि डेली में आप अपने स्किन केयर रूटीन करो। तो ऐसे में आप अपना अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हो, कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो, ये सब चीजें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। और दोस्तों, जो भी मैं प्रोडक्ट्स इसमें यूज करने जा रही हूँ आज के अपनी स्किन केयर रूटीन में, इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और वैसे भी दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करूं जो आपको लोकल मार्केट में भी इजिली मिल जाए और आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा मंथली स्किन केयर रूटीन। और अगर मैं इस मंथली स्किन केयर रूटीन की बात करूं ना गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज का जो मैं शेयर करने जा रही हूं अपना स्किन केयर रूटीन, वो इसलिए भी होगा क्योंकि अगर आपने कहीं फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी वेडिंग में जाना है या आपके घर में कोई फंक्शन है, तो कैसे आप अपनी त्वचा में निखार ला सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, और यही सब चीजें भी इस वीडियो में मैं आज की शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मेरे मंथली स्किन केयर रूटीन में आती है सबसे पहले मेरी फेवरेट चीज जो है वो है ओलिव नेचुरल स्किन केयर शीट मास्क। जी हाँ, मैं आज ये अपने फेस पर लगाऊंगी शीट मास्क। मैं सबसे पहले ये शीट मास्क इसलिए लगा रही हूँ गाइस, ताकि आपकी स्किन जो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है विंटर्स में, और वो ड्राई भी नहीं होगी, और सेकंड जो इसके बाद मैं ब्लीच या फेशियल जो भी करूंगी उससे आपके क्या होगा कि फेस पर कोई भी इचिंग वगैरह नहीं होगी, जैसा कि ब्लीच वगैरह करने के बाद होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शीट मास्क अप्लाई करूंगी, इसके बाद मैं अपने फेस पर अगला जो स्टेप होगा वो करूंगी। यहां पर मैं जो ऑलिव का शीट मास्क होता है वो लगाऊंगी अपने फेस पर सबसे पहले। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, और इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से ओपन हो गया है, और इसमें जो सीरम होता है ना गाइस, उसे आप बचाकर भी रख सकते हो। जब भी आपको अपनी स्किन ड्राई लगे तब भी आप उस सीरम को यूज कर सकते हो, और आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब होने वाला नहीं है। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, काफी रिफ्रेशिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। मैंने अभी तक जितने भी शीट मास्क यूज किए हैं सभी की खुशबू बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसे लगाने के बाद गाइस, आपने अपने घर का कोई भी काम कर सकते हो यार, आप मैगजीन वगैरह भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, किचन का कोई काम कर सकते हो। सिर्फ आपने इसे 15 से 20 मिनट तक लगाए रखना है अपने फेस पर, जब तक ये सीरम आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। वैसे अगर आपको थोड़ा सा ये बड़ा लगे तो आप इसे थोड़ा सा कट भी कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंगली, पर मैं इसे एज इट इज लगा रही हूं ताकि ये मेरे डार्क सर्कल पर भी अच्छे से लग जाए आईज के आसपास। तो यहां पर मैं इसे लगाकर रखूंगी। और गाइस, जब भी आप ये शीट मास्क लगाएं तो आपके फेस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, सभी जो मेकअप आपने किया होता है सारे मेकअप को रिमूव करने के बाद ही आपने इस शीट मास्क को अपने फेस पर लगाना है। तो ये देखिए, मैंने शीट मास्क को लगा लिया है और मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे हटा लूंगी। और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है फेस में, बहुत अच्छी लगती है स्किन, सॉफ्ट और स्मूथ तो बहुत ज्यादा लगती है। सच में एक बार जरूर लगाइएगा शीट मास्क को, जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा सर्दियों में काली पड़ जाती है ना, तो वो भी नहीं होगी, और प्लस आपकी अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होती है तो वो भी नहीं होगी, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। तो अभी मैं इसी शीट मास्क को इस तरीके से, जो इसमें थोड़ा सा सीरम बचा है ना, इस तरीके से अपने हाथों पर लगा लूंगी। आप इसे बॉडी के किसी भी पार्ट पर लगा सकते हो, सीरम बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे हाथों और पैरों पर लगा सकते हो, एड़ियों पर लगा सकते हो, इसे फटी एड़ियों की प्रॉब्लम भी दूर होगी आपकी, और क्योंकि ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है ना, तो आपकी एड़ियों को भी ये नरम बना देगा। तो बस अभी मैं इस सीरम को इस तरीके से मसाज कर लूंगी।
सारा सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है मेरी स्किन में और अब मैं इसके एक घंटे बाद मैं जो सेकंड स्टेप है यानी कि ब्लीच वो करूंगी अपने फेस पर, तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी, एक घंटे बाद लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे एक घंटा हो चुका है शीट मास्क को लगाए हुए और अब मैं यहां पर करूंगी ब्लीच। तो यहां पर मैं यूज कर रही हूँ VLCC नेचुरल साइजिन इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच। जी हाँ, आज मैं गोल्ड ब्लीच करने जा रही हूँ, तो चलिए फटाफट से मैं अपने फेस पर ब्लीच कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इस ब्लीच का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इसके अंदर आपको मिल जाती है एक ये पेपर मिलता है जिसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की हुई है कि आपने इस ब्लीच को कैसे यूज करना है, कैसे पैच टेस्ट करना है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी ब्लीच हो, तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा कि वो चीज आपकी स्किन को सूट कर रही है या नहीं। नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाती है एक इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच प्री ब्लीच क्रीम मिलती है, एक इसमें आपको पॉज ब्लीच पैक मिल जाता है, ये देखिए, और ये क्यूट सा छोटा सा एक कंटेनर है जिसके अंदर ब्लीच है, और ये है पाउडर एक्टिवेटर, और इसमें आपको मिलता है एक स्पून, और छोटा सा इसमें आपको एक स्पून मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसे इजिली अप्लाई कर सकते हो और इजिली रिमूव कर सकते हो। सो दैट्स इट, यही चीजें इसके अंदर थी। और एक्टिवेटर को गाइज जब भी आप इसमें ब्लीच में डालें तो बहुत ही सोच समझ कर आपने डालना है, एक या दो चुटकी काफी होगा और बहुत ज्यादा देर तक आपने नहीं लगाना है, सिर्फ 15 मिनट काफी होंगे। अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है सिर्फ आप इसे 10 मिनट तक लगाइएगा, वैसे आप 15 मिनट तक इसे लगाकर रख सकते हो। तो यहां पर मैं सबसे पहले लगा रही हूं ब्लीच क्रीम। तो यहां पर मैं अब ब्लीच लगा रही हूं अपने फेस पर। कुछ लोग कोई भी फेस पैक या ब्लीच हो या कुछ भी चीज हो ना, बस ऐसे लगा लेते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत ही गंदी लगती है। भाई ये भी तो आप ही के फेस का पार्ट है, तो यहां पर लगाने में क्या हर्ज है, वरना यहाँ की स्किन टोन और यहाँ की ना थोड़ा अलग दिखता है कलर। तो इसलिए कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से बस आप यहां भी लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट, जो भी आप अपने फेस पर लगाते हैं ना, चाहे कोई भी फेस पैक हो या सीरम हो या कोई भी चीज हो, तो आप इस तरीके से जरूर लगाइएगा। और नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने ब्लीच को लगा लिया और अब मैं अपने हाथों पर भी अप्लाई कर लूंगी ब्लीच को, और 10 से 15 मिनट तक मैं इसे लगाकर रखूंगी। उसके बाद नॉर्मल पानी से ही अपने फेस को वॉश कर लूंगी और उसके बाद मैं अपना फेशियल स्टार्ट करती हूँ। तो देखिये मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, और ये देखिये कितना अच्छा ग्लो आया है ब्लीच से ही। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और वो है फेशियल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करने जा रही हूँ फेशियल स्टार्ट, और यहां पर मैं VLCC का ही फेशियल यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्क्रब। तो इसका रिव्यू भी मैंने गाइस अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिये मैंने स्क्रब कर लिया है, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो गाइस, सेकेंड स्टेप यहां पर है मसाज जेल। तो अभी मैं जल से मसाज करूंगी अपने फेस पर। और हाँ फ्रेंड्स, मत में मैं एक बार फेशियल और ब्लीच जरूर करती हूँ, घर पर ही कर लेती हूँ मैं। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जितनी भी त्वचा में गंदगी होती है, मैल होती है, वो निकल जाती है और आपकी डेड स्किन सेल्स भी निकल जाते हैं और आपकी स्किन काली भी नहीं पड़ती है जैसा कि विंटर चल रहे हैं। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए फेशियल को एक बार जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ क्रीम मसाज, और जैसे भी फ्रेंड्स आपको फेशियल स्टेप्स आते हैं वैसे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रही हूं वैसे आप करें, आपको जो भी आसान लगते हो, जो भी अच्छे से आते हो वो आप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रीम से मसाज भी कर ली है, अब मैं अपने फेस को वॉश करने के बाद पैक लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस को वॉश कर लिया है और सिर्फ इतनी सी चीजों में आप ग्लो देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में। स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है और साफ भी लग रही है,
और खुद को भी स्किन कितनी मतलब साफ लगती है ना, तो खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पैक लगा रही हूं, ये फेस पैक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैक को लगा लिया है, मैंने अपने ईयर्स पर भी लगा लिया है और नेक पर भी लगा लिया है पैक को अच्छे से। अब जब तक ये अच्छी तरह से सूख नहीं जाता तब तक मैं इसे लगाकर रखूंगी और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से ही वॉश कर लूंगी। आपने सिर्फ सादे पानी से ही फेस को वॉश करना है, कोई भी फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जब तक मेरा पैक सूखता है ना तब तक मैं अपनी एल्बो पर स्क्रब कर देती हूँ। आप चाहे तो कोई भी घर का बना हुआ भी स्क्रब यूज कर सकते हो, और मैंने बहुत सारे स्क्रब शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जो यहाँ पर स्क्रब यूज करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है VLCC का ही स्क्रब। जी हाँ, आप इस स्क्रब को अपने एल्बो पर भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये स्क्रब अपनी एल्बो पर भी लगा लूंगी। इससे आपकी एल्बो पर जितने भी ब्लैकहेड्स होते हैं या व्हाइटहेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और डेड स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा होता है ये स्क्रब। कोई भी स्क्रब आप यूज कर सकते हो, घर का बना हुआ या फिर बाजार का कोई भी स्क्रब आप यूज कर सकते हो। तो 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लूंगी मैं यहां पर अपनी एल्बो की। और इससे जितनी भी मैल होती है ना एल्बो पर जमा होती है वो निकल जाती है, तो आप इस तरीके से भी अपनी एल्बो की मसाज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट लग रही है यहाँ की स्किन भी, और जो भी ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स है वो सब रिमूव हो गए हैं। जी हाँ, हमें यहाँ पर भी ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी स्क्रब जरूर कीजिएगा। इससे आपकी एल्बो साफ हो जाएगी और जितनी भी मैल है यहाँ पर जमा हुई वो सब ये दूर कर देगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, फेस पैक भी मैंने साफ कर लिया है अपने फेस से, और बहुत ही अच्छा ग्लो आया है स्किन में। मुझे खुद भी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद गाइस, मैं लगाऊंगी अपने फेस पर NYBay का सीरम। ये है फेस सीरम, और इसका रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी, अभी नहीं किया है। और नाइट में मैं यही सीरम आजकल यूज कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं लगा लूंगी ये सीरम। अभी नहीं लगाऊंगी, कुछ देर बाद लगाऊंगी, ताकि जो भी फेशियल के अच्छे से तत्व है ना वो मेरी स्किन में समा जाए और अच्छे से अपना काम करे। इसके थोड़ी देर बाद ही मैं ये सीरम अप्लाई करूंगी अपने फेस पर, और इसके बाद मैं अपने फेस पर कोई भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। हाँ, अगर आपने बाहर जाना है तो आप मेकअप वगैरह कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे मैं अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाती हूँ इन प्रोडक्ट्स के साथ, कैसे अपनी स्किन की केयर करती हूँ मंथली भी। तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो। हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों इसे और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।